नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल आपका एक बार फिर से इस ऐतिहासिक वीडियो में स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात होगी मोहम्मद गौरी के अंतिम समय की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी के प्राण बच गए थे, या फिर तमाम इतिहासकारों ने मोहम्मद गौरी के मृत्यु संबंधी बातों को स्पष्ट रूप से दर्ज ही नहीं किया? दोस्तों, आज हम आपके सामने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और इसी वीडियो के आखिरी में हम आपको मोहम्मद गौरी के कब्र से जुड़े उस राज के बारे में भी बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 को गौर नामक एक छोटे से राज्य में हुआ था। मोहम्मद गौरी बचपन से ही तेज तर्रार और लड़ाकू किस्म का इंसान हुआ करता था। इसके पिता की मृत्यु के बाद गौरी सल्तनत का सुल्तान इसका बड़ा भाई गयासुद्दीन बना, लेकिन मोहम्मद गौरी सेना का सर्वे सर्वा बना रहा। सुल्तान गयासुद्दीन कोई भी राजनीतिक फैसले बिना मोहम्मद गौरी की राय के बिना नहीं लेता था। 1173 में मोहम्मद गौरी ने गजनी को फतेह किया, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंध, मुल्तान, पेशावर और लाहौर पर जल्द ही अपनी विजय पताका फहरा दी। इस तरह देखते ही देखते मोहम्मद गौरी ने पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जीतकर गजनी साम्राज्य में मिला लिया। मोहम्मद गौरी अब अपने साम्राज्य में भारत को भी मिलाना चाहता था, इसलिए सन 1178 में इसने भारत की सीमा में गुजरात राज्य पर अपना पहला हमला किया। गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया, लेकिन इस हार के बाद भी मोहम्मद गौरी ने भारत विजय का सपना देखना नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेनाओं को संगठित करना शुरू किया और 120,000 की एक बड़ी सेना जल्द ही तैयार कर ली। मोहम्मद गौरी की वीरता और पराक्रम का असली इम्तिहान अब होने वाला था, क्योंकि मोहम्मद गौरी भारत के उस राज्य को जीतना चाहता था जिस पर राजपूत महान महायोद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे बहादुर राजाओं में से एक थे। उनकी वीरता, पराक्रम और युद्ध नीति के चर्चे उस समय पूरी दुनिया में फैले थे। अकेले सम्राट पृथ्वीराज चौहान 15-20 योद्धाओं पर भारी पड़ते थे। पृथ्वीराज चौहान का राज्य भारत के उस दौर में सबसे बड़े राज्यों में से एक हुआ करता था। सम्राट के राज्य की सीमा में आज के समय के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य शामिल थे। हरियाणा और पंजाब के वे इलाके जो उस वक्त मोहम्मद गौरी के कब्जे में नहीं आए थे, वे सभी इलाके भी पृथ्वीराज चौहान की सीमा में ही आया करते थे। कहने का मतलब ये है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान का राज्य ही भारत में सबसे बड़ा और ताकतवर राज्य था। बाकी का भारत तो अनेकों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि सबसे पहले शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश के रूप में खत भेजा। उस खत में लिखा गया था कि सम्राट, तुम हमारी दास्ता कबूल कर लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे और तुम हमारे अंडर में राज करते रहोगे। अगर तुम हमारी बातों को नहीं मानते तो जंग के लिए तैयार रहो। पृथ्वीराज चौहान एक चट्टान का नाम था, वे धमकियों से नहीं डरा करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि चल तू अपने युद्ध का सपना भी पूरा कर ले। मोहम्मद गौरी के पास जब ये सूचना पहुंची कि सम्राट ने उसकी बातों को नहीं माना है, तब उसने अपनी 120,000 की सेना लेकर हरियाणा में मौजूद तराइन नामक स्थान पर आया और चौहान को ललकारा। 1191 में इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जंग तराइन के मैदानों में दोनों सेनाओं में शुरू हुई। राजपूतों की वीरता और पराक्रम देखकर मुस्लिम सेना दंग रह गई। एक एक राजपूत सैनिक चार चार मुस्लिम सैनिकों को काट रहा था। जल्द ही गौरी की बची हुई सेना भागने लगी। पृथ्वीराज चौहान की तलवार सीधे मोहम्मद गौरी की गर्दन पर जाके रुकी। मोहम्मद गौरी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद गौरी को सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और दया की भीख मांगते हुए कहा कि सम्राट, हमें इस गुस्ताखी और नाफरमानी के लिए माफ करें और हमें जीवन दान दें। आगे भविष्य में हम आपकी सीमा में हमला नहीं करेंगे। राजपूत योद्धा जितने वीर होते थे उतने ही नर्म हृदय वाले भी होते थे।
धर्म और नीति विरुद्ध हुए कोई काम नहीं करते थे। इसलिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को जीवन दान देते हुए उसे छोड़ देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की इसी गलती ने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। चालाक मोहम्मद गौरी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सन 1192 में दोबारा से भारत पर हमला किया। तराइन के मैदानों में एक बार फिर से दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध होते होते शाम हो गई। राजपूतों की सेना मुस्लिम सेना पर जीत प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन राजपूत सेना लड़ते लड़ते काफी थक हार गई थी और सैनिक घायल भी हो गए थे। तभी मोहम्मद गौरी ने एक इशारा किया और तूफान की तेजी से एक 12,000 सैनिकों का झुंड आया। उसने देखते ही देखते थके हारे राजपूत सेनाओं को मारना काटना शुरू किया। जल्द ही पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गौरी की गिरफ्त में आ गए। दरअसल मोहम्मद गौरी ने अपने 12,000 लड़ाकों को युद्ध भूमि से दूर रखा था। उन्हें कहा गया था कि जब राजपूत सेना लड़ते लड़ते थक जाए तभी आप सबको हमला करना है, और ऐसा हुआ भी। गौरी की युद्ध नीति सफल हो गई। पृथ्वीराज चौहान को वहीं युद्ध मैदान में ही मार दिया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि चौहान को अजमेर लाकर उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं, फिर उन्हें मारा गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के विषय में और भी कई कहानियां मशहूर हैं। इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु का राज छिपा है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार गिराया था तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में ही। पृथ्वीराज रासों में भी यही बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी लाया गया था। वहां उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थीं। उसके बाद आंख से अंधे हो चुके चौहान ने अपने सेनापति चंद्रवरदाई के कविताओं से अंदाजा लगा के एक तीर छोड़ा जो ऊपर बैठे सुल्तान को सीधे जा लगा, और वहीं मोहम्मद गौरी ढेर हो गया। लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। वह तर्क देते हुए कहते हैं कि अगर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों मारा जाता तो फिर 1194 में चंदवार का युद्ध कैसे उलड़ता। दरअसल मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भी लगातार युद्ध करता रहा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा भारत के बिहार राज्य तक गौरी का साम्राज्य फैल चुका था। 1206 में मोहम्मद गौरी पंजाब के खोखर जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए जाटों पर हमला करता है। जाट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से गौरी पर नाराज थे। खोखर जाट वीर, पराक्रमी एवं बलवान थे। वे किसी मोहम्मद गौरी से नहीं डरा करते थे। इन्हीं जाटों ने मोहम्मद गौरी को घेर कर उनका सर कलम कर दिया। मोहम्मद गौरी अपनी मृत्यु से पहले भारत में दिल्ली की सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। इसीलिए इसी साल 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर सल्तनत काल की शुरुआत की और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। मोहम्मद गौरी के कब्र को लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में गजनी में मौजूद मोहम्मद गौरी के मकबरे के सामने ही सम्राट पृथ्वीराज और उनके सेनापति चंद्रवरदाई दफन किए गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि मोहम्मद गौरी के मकबरे में प्रवेश करने से पहले सम्राट पृथ्वीराज की कब्र पर लोग पैर रखते हैं। इस तरह लोग दिल्ली के हिंदू सम्राट का अपमान करते हैं। कहा जाता है कि भारत के एक राजपूत युवक शेर सिंह राणा ने गजनी जाकर सम्राट की अस्थियों को खोद लाए थे और इन अस्थियों को हरियाणा में लाकर उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद गौरी की कब्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले के एक छोटे से गांव में मौजूद है। भारत ने जब पृथ्वी नामक एक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भी 6 अप्रैल 1998 को एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका नाम गौरी रखा। उसी का प्रतिरूप इस मकबरे में लगाया गया है जिसे आप साफ देख सकते हैं। जबकि मोहम्मद गौरी इतिहास में एक मौका प्रस्त शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने पाकिस्तान के तमाम इलाकों पर भी खूब कहर बरपाया था और सिंध, मुल्तान, पेशावर तथा लाहौर को जीत कर अपनी सल्तनत में मिलाया था। इसलिए पाकिस्तान सरकार का इस लुटेरे को सम्मान देना गलत है।
फिर भी आज पूरे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी मोहम्मद गौरी को अपना आदर्श मानता है और मिसाइल व हथियारों के नाम मोहम्मद गौरी के नाम पर रखता है। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।